लोकसभा चुनाव में जिला प्रशासन ने पचहत्तर फीसदी मतदान का टारगेट रखा था कई तरह के प्रयास के बावजूद चौवन दशमलव तीस प्रतिशत मतदाताओं ने ही अपने वोट के अधिकार का उपयोग किया है जिलाधिकारी विपिन इटनकर ने प्रेस परिषद में बताया कि प्रशासन विधानसभा चुनाव में भी वोटों का प्रतिशत बढ़ाने का अपना प्रयास नहीं छोड़ेगा नागपुर जिले में आने वाली नागपुर व रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बढ़कर अब तिरयालीस लाख चौबीस हो गयी है सत्ताईस मार्च 2024 को मतदाताओं की संख्या बयालीस लाख बहत्तर हजार तीन सौ इन चार महीनों में 11 जिले में इक्यावन हजार आठ सौ बीस मतदाता बढ़ गए हैं जिलाधीश व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर ने कहा की बीस अगस्त तक नए मतदाता जोड़ने का काम चलता रहेगा का। जिलाधीश कार्यालय के बचत भवन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान जिलाधीश डॉक्टर इटंकर ने बताया कि 6 अगस्त को जो मतदाता सूची जारी की उसके मुताबिक तिरलीस लाख चौबीस हजार एक सौ छियासी मतदाता है और नए मतदाता जोड़ने नाम कम करने मृतकों का नाम सूची से हटाने नाम अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने का काम जारी रहेगा जो मतदाता सूची जारी हुई है उस पर 20 अगस्त तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है उनतीस अगस्त को आपत्ति मुदाओं का निपटारा किया जाएगा अगस्त को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी इस दौरान उप जिला चुनाव प्रवीण महिरे तहसीलदार वैशाली पाटिल उपस्थित थे जिलाधिकारी ने विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता की अपील जिले के मतदाताओं से की है उन्होंने कहा कि सभी मतदाता अपने नाम चुनाव की पूर्व सूची में चेक कर ले ताकि वे मतदान से वंचित न हो पाए कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ क्षितिचंद देशमुख की रिपोर्ट एक लाख रुपए बताई जा रही है कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट